दोस्तों आज की शाम का सर्वोच्च सम्मान हम ऐसी शख्सियत को देने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर विलन के रोल से की और इनकी शानदार कॉमेडी और परफेक्ट टाइमिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में 800 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले दी यंग, दी नॉटी, दी एवर स्माइलिंग, दी फैंटाबुलस, वन एंड ओनली शक्ति कपूर। यूं तो बॉलीवुड में हजारों कलाकार हुए हैं, किसी ने हीरो, किसी ने विलेन, तो किसी ने कॉमेडियन के रूप में अपनी अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार भी चमका है जिसने विलेन, कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता के रूप में करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है और इनका नाम है शक्ति कपूर। ये प्रेसर है, जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं, ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। इनका जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ। इनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर और माँ का नाम सुशीला कपूर था। शक्ति बचपन में बहुत शरारती थे और ये पहले सुनील कपूर के नाम से जाने जाते थे। इनके पिता का कपड़ों का व्यवसाय था और वे चाहते थे कि सुनील अपना पारंपरिक व्यवसाय ही करे, पर इन्हें कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसी वक्त इनके कदम मॉडलिंग की तरफ बढ़ने लगे और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ FTI पुणे के लिए अप्लाई कर दिया और इनका चयन FTI में हो गया। मैंने क्या कर दिया। FTI के बाद शक्ति मुंबई आ गए और फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करने लगे, लेकिन कोई विशेष बात नहीं बनी। एक रोज ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और एक मर्सिडीज ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस समय ये बड़ा गुस्सा हुए और ड्राइवर से भरपाई के लिए कहा तो गाड़ी में से एक बंदा उतरा। जब शक्ति ने उस बंदे को देखा तो वे चकित रह गए। वे फिरोज खान थे। इस एक्सीडेंट में फिरोज खान शक्ति से इतने मुतासिर हुए कि 1980 में आई अपनी फिल्म कुर्बानी में इन्हें विलेन का रोल दे दिया और शक्ति रातों रात स्टार बन गए। और अगले साल आई संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी। रॉकी के टाइम जब ये सुनील दत्त साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सुनील नाम एक विलेन के व्यक्तित्व को शोभा कम देता है और उन्होंने सुनील को शक्ति नाम दिया। बाद में ये सुनील शक्ति कपूर के नाम से मशहूर हो गए और रॉकी की सफलता के बाद शक्ति ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शक्ति ने धनवान, सत्ते पे सत्ता, हीरो, हिम्मत वाला, इंकलाब, घर एक मंदिर, इंसाफ कौन करेगा, गिरफ्तार, कर्मा, घर संसार, मुद्दत, असली नकली, 20 साल बाद, साजिश, इंतकाम, घराना, रखवाला जैसी दगा करने वालों को भगवान नर्क की आग में जला देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सैकड़ों फिल्मेकर बेहतरीन खलनायकों की श्रेणी में आ गए। 90 के दशक के बाद शक्ति ने खलनायकी को थोड़ा दरकिनार करते हुए कॉमिक रोल करने शुरू किए और राजा बाबू के नंदू की भूमिका के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर से नवाजा गया। और उसके बाद इंसाफ, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, अंदाज अपना अपना, तोहफा, बोल दादा बोल, चालबाज, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में कर दर्शकों को खूब गुदगुदाया। और आज शक्ति कपूर ही एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ देश की अनेकों क्षेत्रीय भाषाओं में सैकड़ों फिल्में कर दर्शकों का दिल जीता है और लगभग 800 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और आज भी सक्रिय हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनका विवाह शिवांगी कपूर के साथ हुआ है और इनके एक बेटा सिद्धांत और बेटी श्रद्धा हैं जो बॉलीवुड में बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में झंडे गाड़ रहे हैं। आज राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऐसी शख्सियत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच, नई दिशा। पर सर्वोत्तम सम्मान को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगा दीपक अग्रवाल जी, विकास जी ग्रुप, आदित्य जैन जी, ओसवाल ग्रुप, राजेंद्र सिंह चौहान जी, सिद्धि अनंत ग्रुप, विकास जैन जी, जेके मसाले, सतीश कौशिक जी, सुखबीर सिंह जी, बनवारी लाल शर्मा जी और संजना शर्मा जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली
शक्ति कपूर। स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे, मेरी जान मेरी शान पहचान सा लगे, स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे, मेरी जान मेरी शान पहचान सा लगे, स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे। इससे पहले कि शक्ति जी बोले, मैं चाहता हूं कि आप शक्ति जी को, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 800 फिल्में करना, अलग अलग किरदार करना, इनका जो इनको मैंने काम करते हुए देखा है, इनका मैं एक तरह से पिछलग्गू रहा हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने अभी ये जो रील देखी कि करोल बाग में पैदा हुए, मैं भी करोल बाग में पैदा हुआ था। आपने देखा ये किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़े, तो किरोड़ीमल कॉलेज में मैं भी पढ़ा हुआ था, मैं भी इनके बाद गया था। ये फिल्म इंस्टीट्यूट गए, पीछे पीछे मैं भी चला गया, सिर्फ मेरी गाड़ी को टक्कर नहीं लगी फिरोज खान से, बस दैट्स ऑल। मैं चाहता हूं आप सब खड़े होके एक बार स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए एक ऐसे कलाकार को जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर सिर्फ काम 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 और काम किया है, और आज भी ये सशक्त रूप से फिल्म इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं, आज भी काम करते हैं, आज भी इनकी जो है काम के लिए भूख है। इनको कोई शर्म नहीं आती अपने को एक्टर को ये बोलने के लिए कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। ये इनकी शिद्दत है, ये इनकी ताकत है, और यही ताकत ने इनको 800 फिल्में, इनकी 1000 फिल्में पूरी होंगी। शक्ति जी आपकी मैं लिख के देता हूं आपको, आप इतना काम करेंगे क्योंकि ये आदमी जो है कभी काम से कतराता नहीं। इन्होंने जिंदगी में सिर्फ जितना, जब से मैंने इनको जाना है तब से ये फिल्मों के लिए, मतलब एक टाइम था कोमल जी आप याद होगा कि एक्टर्स के नाम आते थे दिस 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 एंड शक्ति कपूर, एंड शक्ति कपूर के अलावा के बिना वो पिक्चर का पोस्टर जो है कभी कंप्लीट नहीं होता था। आपको नमन है सर, आपको बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू वेरी मच। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, आप तो यह है कि लाइफ टाइम काम करते रहे और अचीव करते रहे, ये हमारी मंशा है सर। दोस्तों दो ही बातें, इनकी जो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन थी उसमें कहा गया कि शक्ति कपूर बचपन में बहुत शरारती थे, बचपन में, आज शरारती नहीं है। दूसरी बात, इनकी फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आजकल तो हम कॉमेडी फिल्म्स देखकर खूब हंसते हैं और वो कॉमेडी फिल्म्स ऑल इंडिया में चलती है, करोड़ों रुपए कमाती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ आम बात है। लेकिन उस जमाने में जब बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी फिल्म रिलीज हुई थी, वो पहली फिल्म थी जिसमें फिल्म के दो लीड प्लेयर्स कॉमेडियंस थे और वो फिल्म चली। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कॉमेडी फिल्म्स के चलने का, उससे पहले कॉमेडी फिल्में नहीं चलती थी। सो उस रिस्पेक्ट में शक्ति कपूर इज अ पायनियर, एंड मैं तो यही कह सकता हूं शक्ति जी, मोर पावर, नो मोर शक्ति टू यू, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैंने जिंदगी में इतनी तारीफ नहीं सुनी, काश मेरी बीवी बैठी होती वो सुनती कि लोग अभी भी मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं इमोशनली थोड़ा सा सतीश जी की बात सुनकर, कोमल जी की बात सुनकर और आप लोगों का प्यार देखकर थोड़ा सा हिल गया हूं कि क्या मैं इस लायक हूं कि जो अवार्ड मुझे संजना जी ने दिया है, और इतना प्यार जो आप लोगों ने दिया है कि मुझे तो हमेशा लगा कि मैंने जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। मैं अपनी बीवी से कहता हूं कि मैंने जिंदगी में मेहनत की, काम किया, कॉन्ट्रोवर्सीज में बहुत पड़ा, शायद मैं कई मौके वक्त ऐसे थे जिंदगी में
जहां मेरे से गलतियां हुई और मैं आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हमेशा उनसे यही कहता हूं जो भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता कहती है कि नियत तेरी साफ हो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है। तो इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी गलतियों का एहसास करता है और मैं तो कहता हूं कि ये ऊपर वाले मुझे थोड़ा और जीना है, जीना है उन लोगों के लिए जिनको मैंने नाराज किया है, मेरे बचपन के दोस्त जिसको मैंने स्कूल में थप्पड़ मारा था मुझे जाके आज उसे माफी मांगनी है, मुझे जीना है उन लोगों के लिए जिनको मैंने थोड़ा तंग कभी जिंदगी में सोचे बिना किया और उनसे जाके माफी मांगनी है, मुझे माफी मांगने के लिए और थोड़ी सी जिंदगी दे, मुझे और थोड़ा सा जीना है। ये तो थोड़ी सी इमोशनल बात हो गई। राजस्थान को मैं बहुत प्यार करता हूं, मैंने एक राजस्थानी फिल्म भी की जिसके डायरेक्टर जिसके प्रोड्यूसर थे अरविंद कुमार। राजस्थान बहुत हसीन जगह है लेकिन शक्ति कपूर जो तू है वो वापिस आ जा, सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं, और जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। अभी देखिए ये सामने आई, इधर आइए ना, अरे इनकी तस्वीर देखी व्हाट्सएप पे, मैंने कहा बहुत हसीन है। अभी क्या करें, देखिए सतीश जी, भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया, उसके बाद फिर सो गया, लेकिन उसके बाद भगवान ने लड़की को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं, छोटी सी उम्र में ये डांस करती थी, परफॉर्मेंस करती थी जो मैंने पता लगाया, और आज राजस्थान का नाम इतने बड़े मंच पे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आना और राजस्थान में एक ऐसी गुडविल बनाना बहुत बड़ी बात है। इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, राजस्थान में अवार्ड फंक्शन उस लेवल का करना जो हमारे मुंबई में फिल्मफेयर स्क्रीन ये अवार्ड होते हैं, मेरे ख्याल से इनका बंदोबस्त उससे थोड़ा बेटर ही है। मैं ऐसी औरतों को नमस्कार करता हूं, सर झुकाता हूं जो अपनी मेहनत से अपनी सिटी का नाम रोशन करते हैं, और मैं वापस जब घर लौटूंगा मैं अपनी बेटी और बेटे से कहूंगा कि कभी भी अगर संजना जी आपको बुलाएं जयपुर में तो अवश्य जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि नियत इनकी साफ है, इसलिए शक्ति इनका दासी है। ललिता, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूं, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूं। तो राजस्थान, सतीश जी, कोमल जी, जो प्यार आपने दिया है मैं थोड़ा फिर सोचूंगा रूम में, वो दो साल से थोड़ा छोड़ी हुई थी लेकिन थोड़ी थोड़ी वाइन शुरू की है, क्योंकि कसूर मेरा नहीं है, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली खूब दबा के पी, है ना जी, क्यों छोड़े यार। हाँ पहले जब तल्ली हो जाते थे तो कुछ गड़बड़ घोटाले कर देते थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, मैंने कम से कम नहीं तो 25, 30, 40 फिल्में आपके जयपुर में, उदयपुर में, राजस्थान में बहुत काम किया है। राजस्थान के राजश्री वाले भी हमारे राजस्थान से हैं, केसी बोगाड़िया जी, उनके साथ मैंने 17 फिल्में की, वो भी यहां के हैं,
तो काफी राजस्थान के लोग हैं जो हमारे बंबई में राजस्थान का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। मेरा जो सांडू है, जो मेरी साली है, यानी कि पद्मनी कोल्हापुर है, उनके जो हस्बैंड है मिस्टर टुट्टू शर्मा, प्रदीप शर्मा, वो भी आपके राजस्थान के हैं, जयपुर के ही हैं। आज थोड़ी तकलीफ में इसलिए है कि उनके उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी माताजी जल्दी ठीक हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, संजना जी आपका, सबका, और यह अवार्ड दिल से लेता हूं। मैं सतीश जी के कान में पूछ रहा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मुझे दे रहे हैं कि मेरा दी एंड तो नहीं हुआ। मतलब मैंने अक्सर देखा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आते हैं लोग, जब वो काफी जिंदगी अपनी इंडस्ट्री में गुजार चुके होते हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं तो अभी नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा हूं। मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, टपक टपक टपक। नंदू, सबका बंदू, राजा बाबू, राजा बाबू, चलो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं। आ हा, कितना मजा आ रहा अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख के। ए तू हंसता क्यों नहीं, तेरी मां मर गई क्या? अरे ये फिल्म का डायलॉग है भाई, मां तो मां होती है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।